क्या करें दोस्तों, हम खुद जिंदगी सारे, हम खुद नहीं जीना चाहते हैं। एक तो ये बच्चे हमको परेशान करते हैं, कुछ ना कुछ इन लोगों को होता ही रहता है, कभी सही से नहीं रहने वाले हैं। और उसके बाद वो है, अगर उनके पास कॉल करो तो कॉल कभी रिसीव ही नहीं करते। लोग कहते हैं कि घर का कॉल कर लेते हैं रिसीव, बाहर के लोगों का कॉल रिसीव नहीं करते, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि घर का भी नहीं रिसीव करते हैं कॉल, चाहे बाहरी हो चाहे घर का हो चाहे कहीं का भी हो। फूक देते तब वो ठीक रहे, फूक दे तब वो ठीक रहेगी। ये मन बड़ाई है, ये मन बड़े मर्द के काम है। अब दोस्तन के लगे, अब कई दफ़ फोन, अब दोस्तन के फोन आए लगे ना, तो बेचारा होगत रही है, चखात रहे, चाहे मुतत रहे, पैखानवा में आगते मुतते बतियाई है, गाड़िया चली तब बतियाई है। कुछ दिन रही ना तोर दादा के, तोर दादा के फोन दियल का, तोर दादा का मार दे दे तो के मार कसम, तो के मार कसम तू मरल मु देखबा, तो के मार कसम के मोबाइल में दे दी। गरम रहबो ना करे, नहीं रह चल जाते देर पैसा हो गई बात तो का करिए। गड़िया दोस्तों मियाँ बीबी में झगड़ा हो रहा है बहुत ज्यादा, फोड़ के गड़िया फेंकी है और मोबाइलिया फोड़ के फेंकी है। सरकारी नौकरी कर तो मना तोरे तो घमंड हो गई बने, हमारे तो घमंड हो गई बा, घमंड तो बदल बा, हां हमारे घमंड हो गई बा, ज्यादा घमंड हो ना। ऐसा वादी नौकर तबीयत खराब है तब दवाई कराने मर्द गईले, ऐसे आज ओकर कपार फूटल तो फोन फोर कर दी तब रे फोन कर दे, तो गड़िया फूक देबो जान लिए, नहीं मार दे, मार दे देबा कर, नहीं मार दे मत मारिन तो भईला बात, आज रियल में झगड़ा होता है, मार दे छोड़, ना छोड़ा ये मोबाइल लाके पेट्रोल ला निकल दे, दूसरा गाड़ी है तेरे बाप की गाड़ी नहीं है, देखो तो केना बा, और हेडलाइट हेडलाइट फूट जात बा, हम पैसे चला देबो बदला लाके। अभी ना अपने पर गाड़ी पट करी है, अपने पर गाड़ी पटकाता, अब मोबाइल ये तनी बचा के रखा, नहीं तो। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, हम गुड़िया गुरुपुरी, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हैं आप, उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हमारे घर पे मिलने के लिए हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भाभी जी के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मेरे भी चैनल का नाम है अंजनी गुरुप्रिया 757, तो आप लोग जो है मेरे भी चैनल को सपोर्ट दीजिए। तो दोस्तों खूब सारा सपोर्ट दीजिए, हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, हम भी लोग भी थोड़ा लाइक करें क्योंकि बहुत परेशान है, काफी दूर से आए हैं दोस्तों, आप लोग जानते हो। नहीं दोस्तों, मेरे घर के पास से ही आए, ज्यादा दूर है कि दोस्तों, हम यही जानते थे कि आप लोगों का घर वहाँ पे है खलीलाबाद, खलीलाबाद। अच्छा, हम ये नहीं जानते थे, हम ये नहीं जानते थे कि हम मिर्सनिया टोला से। तो दोस्तों क्या है कि पता नहीं था कि भाभी जी मतलब नजदीक की हैं, नहीं तो हम और पहले आ गए होते और पहले साथ में वीडियो बनाया जाता। सबको यही पता था कि हम बहुत दूर के, अचानक हमको सच में पता था कि आप उधर के बेलोल घाट के तरफ, हम बताते नहीं थे कि मतलब हम यहाँ पीपीगंज से हैं, हमेशा मतलब हर वीडियो में नाम लिया, लेकिन हमको ये नहीं पता था पीपीगंज में किधर रहती है। हम एक बार आपको ढूंढने उधर गए थे, उधर बढ़िया चौक के तरफ, हमको लगा कि इधर ही आए हैं, भाभी होंगी तो पूछे कई लोगों से, लेकिन पता नहीं चल नहीं। यहाँ पे जैसे आप पीपीगंज से गौड़िया तक अगर पूछेंगे किसी भी टेम्पू वाले से, हाँ, तो आपको घर नहीं, आप वहाँ पूछे हैं तो बताए हैं, हाँ सब बताते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सभी के चैनलों को ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए, ताकि सब लोग कुछ ना कुछ कर सके, आगे बढ़ सके, क्योंकि आप लोगों के प्यार दुलार की ही जरूरत है। दीदी के घर आके बहुत ही अच्छा लगा, और बताना चाहेंगे कि भाभी जी के घर आए इतना अच्छा लगा मुझे, नाश्ता वास्ता सब कुछ हो गया, इतना मतलब क्या बताएं, अपने खुद के रिश्तेदारों के वहाँ इज्जत नहीं मिलता जितना यहाँ। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे घर पे चाहे जो भी है, कहते ना कि रिश्तेदार, पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि भाभी जो है घमंडी है, हाँ हर लोगों को, हाँ रियल बात है दोस्तों। देखिए सब बोलते हैं कि गुड़िया गोरखपुरी बहुत घमंडी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ के मुझे पता चल गया, पहले मैं भी अपने दिल में ही सोचता था कि शायद होंगी घमंडी, और पता नहीं हम लोगों से मिलेंगे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं देखिए जो घर आता है वही जानता है ना कि हम कैसे हैं, आप दूर दूर से कोई किसी को कुछ भी बोल सकता है। तो दोस्तों शायद चेहरा देख करके लग रहा होगा कि घमंडी है, घर आके पता चला कि बहुत ही अच्छी है, दिल की बहुत बड़ी है दीदी। तो दोस्तों अच्छा लगा मिलके, तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इनको खूब सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और वो जल्दी रिसीव नहीं करते, देखिए गुस्सा होकर के घर से निकल के चलेगा। कहते हैं दोस्तों अगर हम ही रहे, अगर हम ही मर जाए ना, हमको ही कुछ हो जाए, अगर हम जाने चाहिए हम ही मर जाए, हमको कुछ हो जा रहा है, उनके पास अगर आप कॉल करेंगे ना कि आपकी बीबी मर रही है आप घर पे आ जाइए, तो वो इंसान कॉल ही नहीं उठाता,
किसी का भी कॉल नहीं उठाता है। और लोग ये बोलते हैं कि हमारा जान कुछ के कॉल नहीं उठाते हैं, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारा खुद भी कॉल नहीं उठाते हैं, किसी का तो बात ही छोड़ दीजिए। उनको अपनी फैमिली की चिंता नहीं है, दूसरे लोगों की तो बात अलग है, लेकिन उनको अपनी फैमिली का भी चिंता नहीं है। इतना भी अगर इंसान चिंता करता ना, तो बच्चे को चोट लगा था, चोट देखता बैठ करके कि क्या है क्या नहीं है, समझता उसके बाद घर से जाता। लेकिन वो तुरंत बोले हैं गाड़ी पटके हैं, गाड़ी पटक करके और उसके बाद क्या बोलते हैं, मोबाइल भी नीचे फेंक दिए हैं। बोले कि ले अपनी गाड़ी ले, ना गाड़ी रहेगी ना गाड़ी से। अभी देखिए कितना दिन हुआ गाड़ी लिए, किस्त पे गाड़ी निकाले हैं, उसको भी तोड़ फोड़ रहे हैं, ऊपर से मोबाइल फेंक करके तोड़ दिए हैं। मोबाइल भी कहाँ, अभी दिखाते हैं आप लोगों को दोस्तों। देखिए मोबाइल भी पटके हैं, मोबाइल भी फूट गया। देखिए यहाँ पे भी फूटा और यहाँ पे भी फूटा है, मतलब मोबाइल भी फूट गया है। बताइए इतना भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, एक तो बच्चे को चोट लगा है, ऊपर से मान लीजिए हमको गुस्सा लगा, बोल देखिए अब तक कहाँ थे, क्यों कॉल नहीं उठाते हैं। अभी कोई किसी दोस्त का कॉल होता तो आप तुरंत उठा लेते, इतने पे गाड़ी पटक के तो आप लोग बोलते कि बहुत सीधे हैं, ये है वो है। मान लीजिए हम मानते हैं कि सीधे हैं, अच्छे भी हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि बुरे हैं, लेकिन बच्चों को मान लीजिए कुछ हो रहा है, आपको कम से कम घर का कॉल उठाना चाहिए। अन्य लोगों का तो छोड़ दीजिए, मान लीजिए हम बार बार आपको डिस्टर्ब थोड़ी ना करते हैं, बार बार आपके पास कॉल तो करते नहीं, बस यही पूछने के लिए। और हम भी अंदर से घबरा गए थे, ये इसलिए घबरा गए थे कि इसलिए हम कॉल कर रहे थे, हम कॉल करते करते हम कुछ कुछ अलग अलग सोचने लगे। हम ये सोच रहे थे कि मान लीजिए बस चलाते, गाड़ी चलते नहीं लेट जाओ, गाड़ी चलाते मान लीजिए उनके साथ तो कुछ नहीं ना हो गया, फिर उसके बाद मोबाइल तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मोबाइल कहीं खो गया, मतलब हर जगह दिमाग इधर से उधर घूम रहा था और गुस्सा भी आ रहा था और गाली भी दे रहे थे। कहा हम झूठ बोलेंगे, हम गाली भी दे रहे थे कि जब फोन नहीं उठा रहे थे, रास्ते भर गए ना, लोग देख रहे थे कि फोन लगाते हुए जा रही है, रास्ते में फोन लगाते हुए हम मेडिकल पे गए, उसके बाद जब नहीं उठाए तो हम बंद कर दिए। उसके बाद इसको पट्टी वट्टी करवाया, डॉक्टर साहब से बोले कि आप इस पे क्या बोलते हैं वो टाका मत लगाइए, लड़की का चेहरा खराब हो जाएगा और हो सकता है घाव भर जाएगा, तो धीरे धीरे हल्का फुल्का निशान रहेगा। और यहाँ पे भी इसका थ्रेडिंग खराब हो गया, समझ लीजिए यहीं पे एकदम बिल्कुल थ्रेडिंग के पास ही लगा है। अब कटा हुआ आप लोगों को दिखाते लेकिन नहीं दिखा सकते, लेकिन दोस्तों क्या करें, हार चुके हैं जिंदगी से, सही बता रहे, एकदम हार चुके हैं, कोई समझने वाला नहीं है। बस जो आता है मन में जो वही करता है इंसान, जिसका गुस्सा आता है वही गुस्सा उतारता है, कभी किसी सामान पे, कभी मोबाइल पे, तो कभी गाड़ी पे, तो कभी ये, तो कभी वो, बस यही है हमारी जिंदगी का कहानी। आप लोगों को तो फेक लगता है, हम कुछ भी अगर हम रियल बोलते हैं ना, अगर रियली डालते हैं, रियली वीडियो बना के डालते हैं, फिर भी आप लोगों को फेक लगता है। आप लोग बोलते हैं कि झूठ बोल रहे, ये ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, वो तो दिल जानता है ना कि हम क्या सही बोल रहे। जो लोग फेक वीडियो बनाते हैं उन पे आप लोगों को जल्दी से यकीन आ जाता है, लेकिन जो सही बोलते हैं उनके ऊपर आप लोगों को यकीन नहीं आता। दोस्तों एकदम समझ लीजिए दिमाग खराब हो गया, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है। ये बच्चे हैं, इनको बार बार समझाते हैं कि वहाँ पे मत खेलो, ऐसी शैतानी मत करो, लेकिन ये बच्चे मानने वाले नहीं। और बाप का तो कोई बात ही छोड़ दीजिए उनका। देखिए इतना ज़्यादा यहीं पर एक्सीडेंट हुआ था, देखिए यहाँ पर चोट लगाई थी, यहाँ पर फट गया था, यहाँ पर अभी भी ये गला नहीं है, जो टाका था अभी भी गला नहीं, फिर यहाँ पे सर फोड़ के बैठ गए, इतना ब्लड निकल रहा था कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसके बाद उनके पास बार बार कॉल करने लगे हैं कि वो कॉल उठाने किसी तरह, हम ये डर रहे थे कि टाका लगेगा तो हम देख नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा रो रही टाके के लिए, हम उनके पास कॉल कर रहे थे कि अगर वो कॉल उठा लेंगे तो इसको लेकर के जाएंगे, टाका होकर चलवा देंगे, जो भी दवा लेना रहेगा ले लेंगे, लेकिन वो कॉल भी नहीं उठा रहे थे, बार बार फोन की, इसलिए हमको गुस्सा आ गया। बताइए बच्चों को चोट लगता है तो आदमी किसको याद करता है, अपने ही लोगों को नहीं याद करता है। अब मान लीजिए इतना दूर पैदल किसी तरह ऐसे पकड़ के लेके गए, अगर वीडियो बना होते तो आप लोगों को दिखाते थे, लेकिन उस समय मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था कि मैं क्या करूँ। इसका ब्लड इतना ज्यादा यहाँ से ब्लड निकल रहा था ना कि एकदम पूरा इतना चेहरा ढक गया था ब्लड से, लेकिन ये सुधरने वाले बच्चे नहीं है, इतना परेशान करते हैं ना कि एकदम हट करके रख देते हैं ये लोग। अब देखिए यहाँ पे लगा था, आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे अभी ये टाका गला नहीं है ऐसे, अब फिर ये चेहरे पे एक और निशान लेगी, इसी बगल लेगी चेहरे पे निशान। अब सुबह से ही मना कर रहे थे कि सही से खेलो, बदमाशी मत करो, जितना ही बड़ी हो रही है ना उतना ही बदमाश हो रही है, बदमाशी इतना ज़्यादा करती है कि क्या आप लोगों को बताए। एक तो दोनों लोग आज इस भाई बहन स्कूल नहीं गए, ऊपर से आइस पाइस खेल रही है, ऐसे जगह जाके छिपी थी कि आप लोगों से क्या बताएं, वहाँ पे छड़ था और जो छड़ है मतलब इस तरीके का है, बस ऐसे ही धस गया यहाँ पे,
इतना गहरा कटा, इतना गहरा। हम लोग सोचे हैं लाओ बीटाडीन था, हम लोग सोचे हैं कि लाओ बीटाडीन भर दे रहे हैं, अभी सही होगा, थोड़ा देर लेटाएं भर करके उसको, और उसके बाद फिर जब उठी है अचानक ही यहाँ पूरा खून से खून एकदम लथपथ हो गया। उसके बाद तब हम उनके पास कॉल करने लगे कि वो कॉल फिर क्या बताएं, आए हैं देखिए गुस्से के नाते आए, गाड़ी को पटक दिए हैं, उसके बाद गाड़ी को पटकने के बाद फिर मोबाइल भी पटक दिए हैं, क्या करें बताइए। अगर इंसान परेशानी में रहेगा तभी तो बोलेगा, आप लोग वीडियो में देखे ही होंगे कि कितना गुस्सा दिखा रहे हैं, कितना बोल रहे हैं।